नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। DSSSB के द्वारा एक और नया नोटिस अपलोड किया गया है, जिसमें बताया गया है कि बहुत जल्द DSSSB के द्वारा MTS की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है। MTS यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ का नोटिफिकेशन आने वाला है DSSSB के द्वारा। तो जो जो बच्चे MTS की भर्ती का वेट कर रहे थे या जो जो बच्चे 10वीं पास है, उन सभी बच्चों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो DSSSB के द्वारा शॉर्ट नोट्स जारी किया गया है, उसके अंदर क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है रिगार्डिंग ऑफ MTS 2024। तो वही हम सब इन्फॉर्मेशन इसके अंदर जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की तरफ से आया है और ये ऑफिशियल वेबसाइट है DSSSBonline.nic.in। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ भी आपको ये नोटिस मिल जाएगा और मैं टेलीग्राम पर भी ये नोटिस शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। ये डेटेड देख लीजिए 12 जनवरी 2024, यानी कि कल का ये नोटिस है। और वैकेंसी नोटिस की बात करें तो ये देख लीजिएगा, वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2024 कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024 फॉर MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ पोस्ट कोड 812/2024। तो ये MTS की भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, 5 से 7 दिन के अंदर डिटेल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। बट मेरा आपको ये सजेशन है कि आप इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वेट करते हैं MTS की वैकेंसी का, जो जो 10वीं पास बच्चे होते हैं। तो आप इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। आइए देख लेते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो ये देख लीजिएगा, 8 फरवरी 2024 से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 8 मार्च इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तकरीबन एक समय का आपको फॉर्म फिलिंग का समय दिया जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, अगर कुछ मेन चीज़ इसके अंदर दी गई है तो यहाँ पर दिया गया है दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस DSSSB इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS, ये कोड है और NCT दिल्ली की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। यहाँ पे देख लीजिएगा, MTS पोस्ट कोड 812/2024 है। यहाँ पे ये डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं किन किन डिपार्टमेंट्स के अंदर MTS की वैकेंट जॉब आई है, और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी जर्नल की है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो एक बार हम देख लेते हैं, बेसिक सी जानकारी आइए हम ले लेते हैं। तो दिल्ली के अंदर जो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट है डिपार्टमेंट, उसके अंदर भी MTS की वैकेंसी है और रिक्रूटमेंट है। 87 जर्नल की पोस्ट है और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बात करें तो 194 पोस्ट इस डिपार्टमेंट के अंदर है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात करें तो 43 वैकेंसी जर्नल की आएंगी और टोटल वैकेंसी की बात करें तो 99 वैकेंसी आएंगी। ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो 36 वैकेंट पोस्ट हैं इसके अंदर, जर्नल की पोस्ट है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 86 है इसके अंदर MTS की पोस्ट। बाद में हम आगे देखें तो प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस के अंदर डिपार्टमेंट्स के अंदर 25 जर्नल की पोस्ट है और 64 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट की बात करें तो 15 जर्नल की पोस्ट हैं और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 32 पोस्ट इसके अंदर रहने वाली है। आइए कुछ और डिपार्टमेंट्स हम देख लेते हैं, जैसे कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर के अंदर भी MTS की पोस्ट की रिक्रूटमेंट है। 8 पोस्ट इसके अंदर जर्नल की है और टोटल पोस्ट की बात करें तो 16 पोस्ट हैं। दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो ये नोटिफिकेशन निकालता है बोर्ड, उसके अंदर भी MTS की पोस्ट है। ये देख लीजिएगा, 8 जर्नल की पोस्ट है और 13 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स के डिपार्टमेंट के अंदर 6 पोस्ट जर्नल की है और टोटल 13 पोस्ट निकाली गई हैं। प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी देख लीजिएगा, 13 पोस्ट टोटल हैं। डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग UTCS के अंदर टोटल 12 पोस्ट हैं। लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अंदर टोटल 7 पोस्ट हैं। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर टोटल 6 पोस्ट हैं। लॉ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर के अंदर टोटल 5 पोस्ट हैं वैकेंट। और उसी तरह हम आगे देख लेते हैं, जो ये डायरेक्टरेट ऑफ OD का डिपार्टमेंट है उसके अंदर 1 पोस्ट है और दिल्ली अचीवर के अंदर 1 ही पोस्ट है, वो भी जर्नल की है। तो इतनी सारी पोस्ट निकाली गई हैं और टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी आने वाली है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 8567 पोस्ट हैं। तो 567 नंबर ऑफ वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है MTS का DSSB के द्वारा। तो काफ़ी अच्छी ये
गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो जो बच्चे 10वीं पास हैं और एमटीएस की भर्ती का वेट करते रहते हैं, 8 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे ये देख लीजिएगा, लिखा भी हुआ है 8 मार्च 2023 तक इसकी लास्ट डेट है। 8 फरवरी से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, बट आप इसकी तैयारी अभी से लग जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। एसएससी में भी जो एसएससी पोस्ट निकालता है एमटीएस की, वो बच्चे भी इसके अंदर बैठेंगे, तो बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन होने वाला है। आप अभी से इसकी तैयारी में लग जाइएगा। और भी और ये शॉर्ट नोटिस था जो हमने डिस्कस किया है। अदरवाइज़ जो डिटेल नोटिस नोटिफिकेशन आएगा 5 से 10 दिन के बीच में आ जाएगा डिटेल नोटिफिकेशन, तो उसके अंदर हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, एज क्या रहने वाली है। वैसे एज 18 से 27 एज मांगी जाती है एमटीएस में, और यही रहने वाली है मेरे हिसाब से। और बाकी डिटेल नोटिफिकेशन में देख लेंगे जो भी रहेगा, बट आप इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है रिगार्डिंग ऑफ दिस नोटिफिकेशन, आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन, यूट्यूब पर हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।